अकेले घूमता हूँ मैं। कोई डेरा वेरा नहीं? डेरा तो जैसे कहीं नाइट होगी तो वहाँ रुक जाते हैं कहीं। ऐसे चाय पियो? चाय पीता ही नहीं हूँ मैं, एक साल होगी लगभग। क्यों? घर है। अच्छा, आपका घर? आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैंने ग्रेजुएशन की। ओहो, ग्रेजुएशन। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? लोकल जो गांव होते हैं उनमें आतंकवादी होते हैं। तो अभी मतलब हाईवे से नीचे नहीं उतरना? मतलब नहीं, हाईवे से कहीं नहीं जाना। अच्छा, हाईवे पूरा लगा हुआ है फौज। अच्छा, और लोकल में कहीं फौज नहीं है? अच्छा, हाँ, लोकल में अंदर तो कोई नहीं है? कहीं नहीं, कोई नहीं। बोला हाईवे में पूरी आप कहीं घूम लो, हाँ, लेकिन लोकल में कहीं नहीं जाना। अच्छा, थोड़ा खतरा है? खतरा है काफ़ी। तो सर यहाँ पे एक अनंतनाग में वो एक ब्लास्ट भी हुआ था ना, मैंने सुना था। वो कितने साल पहले हुआ था? 2017 में हुआ था। वो ब्लास्ट नहीं हुआ था? हाँ हाँ, ऐसा ही रोड हम लोग पेड़ से पा रहे। अच्छा, तो कार्रवाई तो उधर से निकलता है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि एक जैसे आप घूम रहे हो उधर, हाँ, उसी तरह एक बस जो है पिछड़ गया था। अच्छा, वो बस जो है इधर से जा रहा था, हाँ, और इधर से मार दिया, वो मार्ग भूल गए, भाग दिया। इसमें फौज नहीं लगता था इधर। अच्छा, इसीलिए छिटपुट नहीं घूमना है इधर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। उसके पास गन है, वो गोली मारेगा, वो करेगा। यहाँ लोग खड़े हैं, गाड़ी किसी कोई भी गाड़ी ना उधर से आएगी, प्राइवेट ना इधर से। अच्छा, किसी को चल। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों मैं हूँ अभी कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों, और यहाँ का माहौल काफी खौफजदा है। अभी यहाँ पर अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो उस हिसाब से दोस्तों जो यात्रियों का काफिला निकलता है ना, उस समय काफी एकदम डरावना सा माहौल बन जाता है। इतने सारे फौजी आ जाते हैं। अभी फिलहाल ट्रैफिक खोला है, ये जितना भी आप बहुत सारा ट्रैफिक ये देख रहे हो, ये अभी खोला गया है। किसी को भी रोड तक पार करने नहीं देते। एकदम कोई भी रोड पे आ जाए तो उनको एकदम डांट फटकार के हटा दिया जाता है। मतलब रोड एकदम यात्रियों के लिए खुली गई की जाती है, और काफ़ी मतलब फौजी वौजी लगे हुए हैं काफ़ी एकदम। मैं तो पहली बार देखा ऐसा माहौल, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था दोस्तों। तो अभी चलते हैं यहाँ का और माहौल देखते हैं कैसा है। दोस्तों अभी अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के लिए यहाँ पर जो रैली जो काफिला निकल रहा है, उस हिसाब से ये आगे मतलब यहाँ पर जाप्ता करते हैं। और यहाँ पर लोकल किसी भी तरह के पब्लिक को यहाँ से रोड पार करने तक की इजाज़त नहीं होती है। तो देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ होता है। ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों कश्मीर के अनंतनाग की सड़कें। अंदर की साइड आ गया हूँ मैं दोस्तों, और पर्टिकुलर यहाँ का एरिया जो सर, इस एरिया का नाम क्या है अनंतनाग के अंदर? हरनाग। हरनाग, हरनाग गांव है क्या ये? हाँ, ये गांव नहीं है, टाउन। ये अच्छा, ये टाउन है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है। अच्छा, अनंतनाग इधर से कम तीन दो किलोमीटर दो किलोमीटर पड़ता है ना? ढाई किलोमीटर। अच्छा, ये मतलब टाउन पड़ेगा। हाँ, क्या नाम बताया? हरनाग। हरनाग है ना। तो दोस्तों ये है हरनाग। आपका नाम क्या है चाचा? गुलाम हसन। गुलाम हसन। तो गुलाम क्यों लगाया आगे आपने? गुलाम क्यों लगाया? अभी तो आजाद है, गुलाम कहाँ है? अभी तो आजाद है, कहाँ है गुलाम हम? लेकिन ऐसे मतलब आप में लगाते हैं ना नाम? यहाँ का कैसा माहौल, मतलब कश्मीर का कैसा कुछ है, थोड़ा बहुत बताओ यहाँ का। हाँ अच्छा, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा, तो मैं अब जैसे अंदर आगे जाऊँगा तो कोई ऐसे खतरा वतरा तो नहीं है? कहीं पर भी घूमो चाहे, कहीं भी घूमो, सब जगह इंडियन आर्मी लगी हुई है। आर्मी आर्मी से ही खतरा है। अच्छा, मेन खतरा आर्मी का ही है? ये कलर नहीं देते हैं। अच्छा, हमको दिक्कत होती है। तो अभी तो जैसे ये तो यात्रा चल रही है इसलिए दिक्कत होती है, अभी तो ये यात्रा चल रही है इसलिए दिक्कत हो रही है। बाकी लोकल दिनों में के अंदर भी परेशान करते हैं क्या? सिर्फ यात्रा 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 अच्छा यात्रा में हमको दिक्कत। अच्छा, यात्रा जैसे कितने महीने चलती है? लगभग 40 दिन। 40 दिन चलती है ना, तो 40 दिनों के अंदर आपको यहाँ सड़कों पे चलना भी मुश्किल होता है? अच्छा अच्छा, तो जैसे ये जैसे अपने इंडियन आर्मी के हैं, ऐसे मतलब लोकल आर्मी आवाम को परेशान तो नहीं करते? अच्छा, पुलिस की ड्यूटी है। अभी आर्मी तो ये यात्रा की वजह से यहाँ लगी हुई आर्मी है ना? अच्छा यात्रा की वजह से। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? बहरमपुरा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर दोस्तों अपने इंडियन आर्मी की काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छी सुरक्षा कर रखी है यात्रा के दौरान।
और बाकी लोकल दिनों के अंदर भी अगर आप इन गाँवों के अंदर घूमने आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आर्मी का पूरा प्रोटेक्शन है। जब तक अपनी इंडियन आर्मी है तब तक हमें कोई किसी भी बात का डर नहीं है दोस्तों। और आपने पिछले वीडियोस में भी बहुत सारा देखा होगा कि मैं बारामुल्ला साइड भी गया था, कितनी दूर तक गया था दोस्तों, मतलब कश्मीर से भी ऊपर और आगे गया था, और वहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत आपने देखी थी, ज़बरदस्ती सेव खिला रहे थे, मेरे बैग के अंदर ज़बरदस्ती सेव रख दी थी। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों ज़रूर देखिए, कश्मीर विलेज लाइफ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर उनको देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। फिलहाल मैं इस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा लोकल एरिया जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है। चलिए दोस्तों, जैन सर, चप्पे चप्पे पर आर्मी लगी हुई है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा है माहौल। कश्मीर की खूबसूरती ही अपने आप में देखने बनती है दोस्तों, आगे जाएंगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे अभी आपको देखने मिलेंगे। इतने नीचे नीचे बादल आ रखे हैं, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, दूर दूर तक बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बादलों के हाथ लगा सकते हैं ना। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। जैन सर, यहाँ पर दोस्तों अपनी पार्टी करके ये देखिए, क्रिकेट खेलने वाला बैट इनका सिंबल है और एक रैली निकल रहे हैं यहाँ पर, ये अपनी पार्टी करके कोई एक दल बना हुआ है यहाँ पर, ये इनकी रैली भी निकल रही है और काफ़ी सारा जाम लगा हुआ है आगे टाउन के अंदर। आगे कहाँ तक है जाम, ये बहुत सारी आर्मी की गाड़ियाँ भी है आगे, लोकल गाड़ियाँ भी है यहाँ तक। यहाँ पर दोस्तों सुमो ज़्यादा चलती है ना, पुलिस सुमो लोकल सवारियों के अंदर ज़्यादा चलती है। यहाँ की लोकल जो बसें हैं दोस्तों वो भी एकदम अनोखी है, यही ऐसा लगता है कि ये श्रीनगर के लिए बनी है कंपनी में। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बस आ रही है, देखो यहाँ की लोकल, ये है बस देखिए दोस्तों। ये दोस्तों और देख लीजिए यहाँ की ये लोकल बसें हैं इस प्रकार से, और कश्मीर के अंदर ये देखिए अपने इंडिया का फ्लैग लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, कितनी खुशी की बात है। ये अपने इंडियन आर्मी के जवानों के बदौलत ही संभव है दोस्तों, क्योंकि आज हम कश्मीर में इस प्रकार से एकदम खुला घूम रहे हैं तो इंडियन आर्मी के बदौलत ही घूम रहे हैं, और ये देखिए अपने इंडिया के फ्लैग कश्मीर में लग रहे हैं तो बेहद ही सुंदर लग रहा है, और बहुत अच्छा भी फील हो रहा है इंडियन फ्लैग को देख कर कश्मीर के अंदर। तो हमेशा अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना ज़रूरी है दोस्तों। आज का मौसम दोस्तों बेहद ही सुंदर और इतना ठंडा है कि घूमने में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, और सुबह के 10-11 बजने लग रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ की लोकल जो दुकानें हैं मार्केट की वो खुलने लग रही है, और यहाँ की जो दिनचर्या है वो वापस शुरू हो गई है, और शाम के समय दोस्तों 7, 7:30, 8 बजे के करीब लगभग पूरा मार्केट सुनसान हो जाया करता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो पूरी की पूरी दुकानें बंद करा दिया करता है, और जो लोकल जनता है उनको यहाँ पर रोड के ऊपर आना मना है। तो ये देखिए आगे आर्मी के जवान और लग रहे हैं। जैन सर, अभी दोस्तों अमरनाथ यात्रा के बदौलत ये फिर इतना सारा जाम, और कुछ अभी आपने पीछे देखा था लोकल एक कोई पार्टी थी जिनका सिंबल था बैट, अपना पार्टी अपनी पार्टी करके नाम था, तो उनकी भी रैली चल रही थी, उस बदौलत सारा जाम लग गया है। ये कोई लोकल पेट्रोल पंप है यहाँ पर, और आगे तक बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, और मुझे थोड़ा इस हाईवे से अब थोड़ा सा साइड में जाना है, लेकिन कोई अभी रास्ता मिल नहीं रहा है, कोई भी ऐसी गली मिली मैं नीचे उतर जाऊँगा, मुझे आसपास के घर लोकल लाइफ देखनी है और यहाँ के जो पहाड़ों के नज़ारे हैं वो देखने हैं। फाइनली दोस्तों लगभग 2 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद मैं टाउन से बाहर आ गया हूँ, और अभी ये भी एक तरह का टाउन तरह ही लग रहा है, लेकिन है ये यहाँ का गांव है दोस्तों लोकल, और यहाँ पे आप मेरे पीछे इस प्रकार की ये लोकल घर देख रहे होंगे, ढालनुमा छत है, और अभी हम इस रास्ते से अंदर की ओर जाएंगे और देखेंगे यहाँ के किस प्रकार के रहन सहन हैं, किस प्रकार के गाँव हैं, क्या क्या यहाँ पर होता है, कैसे इनकी दिनचर्या है,
तो थोड़ा आगे चलेंगे तो कुछ मालूम चलेगा। ओहो कितना सुंदर नज़ारा देखिए दोस्तों, ये देखिए गांव का कितना सुंदर नज़ारा है और कितना प्यारा ये घर बना हुआ, बहुत ही पुराना टाइप लग रहा है। और ये कितना पुराना होगा घर, ये कितना पुराना घर है, कितना टाइम हो गया होगा? अभी इनकी लोकल लैंग्वेज नहीं पता चलती। इसमें अभी कोई नहीं रहता? नहीं। अच्छा कितने टाइम से ये बंद पड़ा है? टाइम बहुत टाइम हो गया। ये कौन सा गांव है, कौन सा, क्या नाम है? बटेंगू। अच्छा बटेंगू गांव है ना। तो ये सारे ऐसे गांव, ये घर ऐसे खाली क्यों हुए, क्या हुआ? तो यहाँ क्यों नहीं बनाया? तो मतलब ये पट्टा सुधा नहीं होती क्या, ऐसे ही होता है? अच्छा कहीं पे भी बनाओ और कहीं पे भी ऐसे छोड़ के जाओ, है ना? हाँ वैसे है, काफ़ी पुराने लग रहे हैं ना, मिट्टी से बने हुए, ऐसे ईंटों से, मिट्टी से। हाँ इधर आगे भी मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। ये वाला रास्ता, ओके। आपका नाम क्या, आपका क्या नाम है? क्या बताया? साजिया। अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच, मिल के अच्छा लगा। चाय तो नहीं पीता, पानी जरूर पिला दीजिए। तो आप ये क्या चावल साफ कर रहे थे? हाँ। तो ये आपको राशन वाले चावल मिलते हैं या फिर राशन वाले, या फिर वहां से लाना पड़ता दुकान से? दुकान से मिलती है यहाँ पे राशन वाली चावल से। अच्छा यहाँ पे चावल के क्या भाव है एक किलो के? पता नहीं, एक किलो के मुझे हमें बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा मुलाजिम होते हैं ना, उनको बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पे। अच्छा इसलिए। तो ऐसे मतलब वो सरकार गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो भी मिलते हैं आपको? हाँ वो भी मिलता है। कितना मिलता है, महंगा? अच्छा उसके कितने रुपए लगेंगे एक किलो के? पता नहीं, एक किलो के पर पर्सन कितने मिलेंगे, मतलब एक जने के हिसाब से परिवार में कितने किलो मिलेगा? एक, जैसे एक जना चार जने हो तो चार किलो ही मिलेंगे। हाँ। महीने के? हाँ। उससे तो क्या होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट देती है हमें, तो हम काम चलाते हैं ऐसे ही। अच्छा अच्छा हम क्या करें, मजबूर है। नहीं बाकी कश्मीर का जैसा माहौल बताते हैं मीडिया वाले वैसा वैसा नहीं है, बिल्कुल बहुत प्यार मोहब्बत हाँ। है और अच्छा है। मैं घूम रहा हूँ लगातार दो दिन से। कहाँ रहते हो? मैं राजस्थान से हूँ। हाँ। अकेले घूमता हूँ मैं। कोई डेरा वेरा? नहीं डेरा तो जैसे कहीं नाइट हो गई तो वहाँ रुक जाते हाँ। हैं। तो चाय पियो? चाय पीता ही नहीं हूँ मैं, एक साल हो गई लगभग। क्यों? नहीं पीता ही नहीं हूँ, छोड़ दी चाय। ऐसे मतलब रास्तों के अंदर कोई अच्छी बनती है कहीं नहीं बनती है तो मैं बिल्कुल छोड़ ही दी। नहीं तो क्या सफर में चाय की वजह से सर दर्द वगैरह होने लग जाता है इसलिए। तो ऐसे आगे मतलब ये पूरा गांव ही है ना? हाँ पूरा गांव। हाँ। बहुत बड़ा गांव है। अच्छा तो आप यहीं रहते हो? हाँ। मतलब ये आपका ससुराल है? नहीं ये हमारा घर है। अच्छा आपका घर, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं मैं पढ़ती हूँ। अच्छा कौन सी क्लास में? मैंने ग्रेजुएशन की। ओहो ग्रेजुएशन, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? करेंगे कुछ बीएड। अच्छा अभी तो पढ़ाई की करके ऐसे नो गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया, काफी कंपटीशन। हाँ बटेंगू में, कश्मीर में कहाँ मिलेगा जॉब? हाँ बहुत मुश्किल है, ड्यूटी हो गया ना इसी वजह से हमें कोई जॉब नहीं मिलेगा यहाँ। अच्छा अच्छा बहुत मुश्किल हो गया काम। हाँ। सही है। तो ये तो काफी साफ चावल दिख रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, चावल है आते तो साफ ही है ना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बैग भी थोड़ा क्या भारी है, क्या करें अपना सामान लेके तो चलना पड़ता है, नहीं तो सफर में दिक्कत हो जाती है। यहाँ से जॉब बहुत सारे मिले हैं। थैंक यू। हैं खुदा हाफिज। यहाँ पे दोस्तों ये जो टिन सेट है ये एकदम रंगीन टाइप के लगे हुए हैं, देखो ऐसे दूर से देखने पर तो ऐसा लगेगा दीवार है, लेकिन मैं तो खुद एकदम आंखें चकरा गई, ये मतलब पास में से देखा था ये टिन सेट है रंगीन वाले, है ना, ये जो है ना ये वाइट वाले, तो ऐसे कैसे ये रंगीन वाले टिन सेट। और ये देखो संगड़ी संगड़ी गलियाँ यहाँ के गाँव की बहुत खूबसूरत है, और आगे देखिए कितना सुंदर झरोका बना हुआ है, और यहाँ पे एक इस प्रकार की फाटक। ओहो हो काफ़ी संकड़ी है और गांव बेहद ही देखने में खूबसूरत, लकड़ी के घर बने हुए दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से ऊपर से। और भी आगे चलते हैं, देखिए छत तो आरसीसी की होती है लेकिन ऊपर इस प्रकार से टिन सेट से ढालनुमा बनाते ताकि बर्फ़ ना जमे, है ना। तो ये काफ़ी ओल्ड सिटी लग रही है, ये ओल्ड विलेज। ये देखिए यहाँ पर ये लकड़ी का सीढ़ियाँ बनी हुई, ऊपर भी पूरा चारों तरफ से ईंटों की दीवारें और बीच बीच में से इस प्रकार से लकड़ी से बनाया हुआ। और आगे भी आपको थोड़ा सा यहाँ का रहन सहन दिखाऊँ, रहन सहन तो अब क्या दिखा सकता हूँ मैं, आपके घर घर ही दिखा सकता हूँ ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये घर बने हुए, देखो ये तो कोई दुकान है और ऊपर इस प्रकार से छत कर रखी है, और उधर भी बहुत सारे घर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों।
बेहद सुंदर सुंदर घर बने हो। और ये अभी देखो इस प्रकार से ये नया घर बन रहा है, तो नीचे इस प्रकार से पक्का बनाया, ऊपर ये इन्होंने क्या किया आरसीसी भर के छत ले लिया ना। अब ऊपर ये इस प्रकार से जो उधर वो घर दिख रहा है ना डालनुमा, उस प्रकार से ये छत बना के रखेंगे ताकि बर्फ़ जो है वो पूरा पूरा नीचे आ जाए, नहीं तो छत के ऊपर जम जाती है। और ये माहौल है, गांव में दोस्तों लोग तो कोई मिल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल गलियां एकदम सुनसान पड़ी है। अगर यहां पर मेरे को कोई पीटने लगे तो भी छुड़ाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं तो पहली बार देख रहा हूं इस प्रकार के गांव, तो मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना। कोई भी चीज़ अपन पहली बार देखते हैं तो वो एक एक्साइटमेंट होती है ना, सुंदर एकदम पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं। और यहां पर देखिए लकड़ियां रखी हुई है यहां पर, ये घर बनाने के लिए हिसाब से, या फिर ये यहां से उतार के नीचे रखे होंगे, ये घर यहां से तोड़े गए हैं तो ये उतार के यहां पर ये कहीं और जगह काम में लेंगे शायद लकड़ियां, हो सकता है। ये पूरे मतलब घर टूटे हुए हैं यार यहाँ पे, मतलब यार ये देखिए ये वाला भी घर आप देख सकते हैं, ये भी पूरा बिखरा हुआ पड़ा है ना इस प्रकार से। और यहाँ पे है आंटी जी पूछते हैं,